अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, यूर स्किल में आपको खुश आमदेद। दो तीन वीडियोस पहले मैं बना चुका हूँ नान वून बैग के हवाले से। एक मैं उसकी वीडियो जो है मशीनों के ऊपर भी बना चुका हूँ। लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, भाई ये मशीनें कौन इंस्टॉल करके देता है, कहाँ से इंस्टॉल करवाएं, उनका नंबर शेयर कर दें। आज मैं वीडियो के एंड में जो है नंबर एक शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप का नंबर है, आप सिर्फ उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर रابطہ कर सकते हैं। कॉल जो है रिसीव नहीं होगी उसके ऊपर। अभी जो साइड में आप मशीन देख रहे हैं, ये लेटेस्ट मॉडल पाकिस्तान के अंदर आया है। पाकिस्तान के अंदर जो है पहले प्लास्टिक वाले शॉपर चलते थे, हैंडल वाले, तो ये कपड़े के अंदर पहले यहाँ नहीं बनते थे, तो ये मैनुअल इसकी कटिंग होती थी। अब ये ऑटोमेटिक मशीन जो है पहली मशीन पाकिस्तान में आई है, तो लेटेस्ट मशीन है, इसका रेट भी कम हो गया है। सारी मशीनों के रेट मैं आपको बताऊंगा, जो रेट होंगे वो अभी का जो डॉलर का हिसाब है उसके हिसाब से होंगे, क्योंकि डॉलर जो है ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसके हिसाब से मशीनों की प्राइस भी जो है कमी पेशी उसमें हो सकती है। तो ये लेटेस्ट मॉडल है, अभी जो इसकी कीमत पाकिस्तान के अंदर आपके घर तक पहुँच है, आपकी सिटी तक, वो 29 लाख रुपये है। अगर आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो उसके 50,000 रुपये चार्जेस अलग से हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आगे जो है छोटा सेटअप भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं, जिन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है, छोटे लेवल से वो या थोड़े पैसों से काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो वो सारी मशीनों की प्राइसेस मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगा भी और आपको बताऊंगा भी। नीचे प्राइसेस आप देख सकते हैं हर एक मशीन की, मैं आपको इसी तरह जो है आपको दिखाऊंगा कि चांसेस हैं ग्रो करने के। तो अभी लोग जो है मशीनें इंस्टॉल करवा रहे हैं, हो रही हैं मशीनें, अभी जो है तकरीबन इसका बिजनेस का स्टार्ट ही हुआ है, तो मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी। जब शॉपर कम होते जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल, तो इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। ये फॉर एवर बिजनेस है ये मेरे ख्याल में, क्योंकि लोगों को शॉपिंग के लिए जो है ना वो चीज़ों की ज़रूरत तो होगी। अच्छा बिजनेस है, फॉर एवर बिजनेस है, क्योंकि शॉपर तो अब जो है जैसे पाबंदी लग चुकी है, कभी ना कभी मुकम्मल तौर पे बंद ही हो जानी है, क्योंकि उनकी फैक्ट्री सुना है वो भी बंद जो है करवा दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वो बंद हो चुकी हैं कंप्लीट, तो अब जो है इन्हीं की डिमांड बढ़नी है। आहिस्ता आहिस्ता जो है इसी का ट्रेंड है। इस मशीन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कपड़ा इसके ऊपर चल रहा है, ये दोनों साइडों से जो है इसको पंच कर देता है। ये कटे हुए रोल पड़े हैं, अगर आप कटे कटाए लेना चाहें रोल, कटे कटाए भी मिल जाते हैं और बड़े साइज़ में भी मिल जाते हैं, 6 फुट 7 फुट तक। तो उसकी भी मशीन है, वो भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये डी कट हो रहा है जनाब, ये ऊपर आप देख रहे हैं, इसको डी कट बोलते हैं। तो ये जो मशीन है इसमें जो ऑप्शन मौजूद है डी कट का, लेकिन आगे जो मैं आपको दिखाऊँगा उनके साथ आपको ये डी कट वाली मशीन नहीं चाहिए होगी, सिंपल आपको मशीन चाहिए होगी। जिस तरह अब ये आप देख रहे हैं दोनों साइडों से जो है कपड़ा पंच हो रहा है, इसी तरह बस जो है ये मशीन पंच करेगी। तो अगर आप ये कंप्लीट डी कट वाली मशीन लेना चाहते हैं तो इसकी कीमत 30 लाख है। अगर डी कट के बग़ैर लेना चाहते हैं, उसके साथ हैंडल वाले बैग बनाना चाहते हैं, या मैनुअल जो आगे मैं आपको दिखाऊँगा डब्ल्यू कट जो है वो आप बैग बनाना चाहते हैं, तो ये इस तरह सिंपल दोनों साइडों से आपको कपड़े को पंच कर देगी। तो उसके बाद आप चाहें तो डब्ल्यू कट या डी कट के बैग तैयार कर सकते हैं। ये डाई देख रहे हैं इस तरह पंच कर रही है, इसी तरह दोनों साइडों से ये कपड़े को पंच कर देती है। तो कपड़ा आपको ये दो साइडों से पंच करके जो है मशीन दे देगी। तो इसके साथ आगे डी कट वाला सिस्टम जो है वो नहीं होगा, जैसा कि अभी आप देखेंगे यहाँ से ये डी कट के सुराख मशीन कर रही है। ये एक बड़ी मशीन हो जाती है, इसकी प्राइस ज़्यादा है, और सिर्फ पंच अगर आपने करना है, हैंडल वाले बनाने हैं, डब्ल्यू कट बनाने हैं, वो 20 लाख में आपको मिल जाएगी। तो ये यहाँ से डी कट हो रहे हैं मशीन के, ये देखें ये वाला पोर्शन नहीं होगा। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये बिल्कुल आपको सिलाई मशीन की तरह लग रही होगी, लेकिन ये सिलाई मशीन नहीं है, ये सीलर है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मशीन के अंदर कपड़ा दे देते हैं वो सी देती है, इसी तरह नान वून फैब्रिक जो कपड़ा है उसको आप इसके अंदर देंगे तो ये जैसे जैसे वहाँ से गुजरता जाएगा वो जो है उसको सील करता रहेगा, पंच करता रहेगा। इस तरह दोनों साइडों से आपने जो है इसको पंच कर लेना है, और उसके बाद जो है हैंडल वाली कटिंग जो है वो मशीन आगे मैं आपको दिखाता हूँ हैंडल कैसे कटेंगे। वो 2 लाख रुपये की है और ये 1.5 लाख रुपए की है। ये टोटल सेटअप आपका जो है 3.5 लाख में इंस्टॉल हो जाएगा अगर आप छोटे लेवल पे करना चाहते हैं।
ये जो मशीन आप साइड पे देख रहे हैं ये सिर्फ हैंडल पंच करती है, इसकी कीमत है 8 लाख रुपए। अगर आप सिर्फ हैंडल वाला बैग बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक सिंपल मशीन साथ और चाहिए होगी जो कि दोनों साइडों से सील कर दे और उसके बाद हैंडल लगा दे, उसकी कीमत है 20 लाख रुपए। इसकी कीमत है 8 लाख रुपए। अगर आप सिर्फ हैंडल वाला बैग बनाना चाहते हैं तो ये आपको सेटअप पड़ेगा 28 लाख रुपए में, ये सिर्फ हैंडल वाले बैग तैयार करेगी। ये जो मशीन आप साइड पे देख रहे हैं इस मशीन को कहते हैं डब्ल्यू कट मशीन, यानी कि मैनुअल डब्ल्यू कट का कट लगाने वाली मशीन। अब ये भाई कट लगा के दिखाएंगे आपको, इसकी कीमत है 2 लाख रुपए। इसके लिए भी आपको साथ एक और मशीन चाहिए होगी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया हैंडल वाली मशीन के साथ भी आपको एक मशीन चाहिए होगी जो कपड़े को दोनों साइडों से पंच करे। इसके साथ भी वही मशीन लगेगी, कपड़े को दोनों साइडों से पंच कर देगी और उसके बाद आपने इस मशीन के ऊपर ला के मैनुअली इस तरह जो है हैंडल काट लेने हैं। इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर वो हैंडल की कटिंग हो रही है डब्ल्यू कट की, वो ये पाकिस्तान में पहली मशीन इंस्टॉल हुई है। इससे पहले जो है ये वाले शॉपर नहीं चलते थे, तो अब शॉपर की पाबंदी के बाद इस तरह के चापर चलना शुरू हो चुके हैं, तो इनकी डिमांड ज़्यादा है। अगर आप मैनुअली कट लगाना चाहते हैं तो इस तरह की 2 लाख रुपए की ये मशीन और 20 लाख रुपए की वो मशीन, ये टोटल बन जाता है 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए के अंदर आपका ये डब्ल्यू कट वाला सेटअप जो है इंस्टॉल हो सकता है, एक ये मशीन और एक 20 लाख रुपए की सिंपल मशीन जो दोनों साइडों से आपको सील कर देगी। जो ऑटोमेटिक मशीन आपने देखी है उसमें सिर्फ सेम वैसी ही होगी, सिर्फ उसमें जो है डब्ल्यू कट जो कट लगाने वाला ऑप्शन है ऊपर वो नहीं होगा, बाकी सेम वैसी ही होगी, दोनों साइडों से सील कर देगी। कट आपने इस मैनुअल मशीन पे ला के लगाना होगा, 22 लाख रुपए में ये सेटअप आपका लगेगा। ये जो मशीन आप साइड पे देख रहे हैं इसको कहते हैं स्लेटिंग मशीन। ये बड़े रूलों को 6 फुट 7 फुट के जो रूले होते हैं उनको छोटे साइज में काटने के लिए, यानी कि जो साइज़ आपको रिक्वायर्ड है उस साइज़ में काटने के लिए ये स्लेटिंग मशीन इस्तेमाल होती है। अगर आप डब्ल्यू कट बनाना चाहते हैं उसके लिए इस मशीन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके जो साइज़ हैं वो पीछे से ही आपको कटे कटाए जो है अवेल हो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर जब आप डिफरेंट साइज़ के बैग बनाते हैं हैंडल वाले तो उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ जो है इस मशीन की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ जो है रूलों को छोटा काटने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी कीमत 7 लाख रुपए है और ये जो है आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, अगर आपकी ज़रूरत है तो इसको इंस्टॉल करें, अगर आप कटे कटाए रूला लेना चाहते हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मशीनें इंस्टॉल कराने के लिए एक नंबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, यही भाई ऑलमोस्ट जो है मशीनें इंस्टॉल करके दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हर किस्म की मशीन आपको इंस्टॉल कर देंगे आपकी सिटी तक पहुंच। अगर इंस्टॉलेशन आप करवाना चाहते हैं तो 50,000 रुपये अलग से चार्जेस ये लेते हैं, आपको इंस्टॉल कर देते हैं, अदरवाइज़ जो कीमतें मैंने आपको बताई हैं उन कीमतों के अंदर ये आपकी सिटी तक, आपके शहर तक आपको मशीनें पहुँच दे देंगे। तो नंबर नोट कर लीजिए 0336-9848576, 0336-9848576। इस नंबर के ऊपर आप रابطہ कर सकते हैं। इन्होंने अभी वेयर हाउस भी बनाया है कपड़े का, अगर आपको कपड़ा चाहिए तो कपड़ा भी आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में 2 कंपनीज हैं बड़ी जो कपड़े को इस वक्त मैन्युफैक्चर कर रही हैं, कपड़ा बना रही हैं, एक कराची में है उसका नाम है मुंडिया, दूसरी फैसलाबाद के अंदर है उसका नाम है चावला। ये दोनों जो है नॉन वून फैब्रिक जो है बनाती हैं। नंबर इनका मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उनसे मैंने कोई इस किस्म की इजाज़त नहीं ली कि उनका नंबर जो है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, उनका कोई ना कोई रابطہ नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप उनसे कपड़ा परचेज करना चाहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।